नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज कुछ नमकीन सा, मीठा सा, खट्टा मीठा सा कुछ बनाते हैं। हम मोस्टली क्या है, बाजार से नमकीन लाते हैं, चाय के साथ लेते हैं, या हल्की फुल्की भूख हो तो खाते हैं। तो मैं आज आपको आज ड्राई फ्रूट वाली खट्टी मीठी नमकीन बनाना सिखा रही हूँ, तो जो कि घर में काफ़ी कम रेट में पड़ती है और टेस्टी भी लगती है। बाजार का तेल थोड़ा सा, क्योंकि वो जो हलवाई होते हैं एक ही तेल को बार बार जलाते रहते हैं और उसी में बनाते रहते हैं, तो हम घर पे उसको कैसे इतना अच्छा बना सकते हैं, आइए मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हम आज उसके लिए पोहा नमकीन बनाएंगे, जो कि बिना फ्राइड किए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो आप जितना मर्जी खाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तला हुआ खाते हैं तो हमें लगता है कि है इतना ऑयल जा रहा है अंदर, क्योंकि आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। तो मैं आज आपको ये ड्राई फ्रूट वाली इतनी टेस्टी रिच लुक वाली ये बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये आधा कप के करीब मैंने बादाम लिए हैं, ये देखिए, और आधा कप के करीब ही मैंने काजू लिए हैं, इतनी ही मैंने मूंगफली ली है, ये देखिए, और ये मैंने नारियल, जो सूखा नारियल होता है जिसको गोला बोलते हैं, वो काट के लिए मैंने, और इतनी ही मैंने किशमिश ली है। किशमिश का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि खट्टा किशमिश थोड़ी मीठी होती है और थोड़ा सा ये तीखा, खट्टा मीठा तीखा, तो बैलेंस सही हो जाता है उसका। और ये मैंने शुगर को पीस के लिए है, चीनी को पीसा है मैंने, बारीक कर लिया है, और ये बेसिक मसाले हैं, ये थोड़ा सा नमक है, और ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च है, और ये काला नमक है, और ये अमचूर पाउडर है। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, वो जैसे आपको अच्छा लगे। तो यही मसालों की हमें ज़रूरत होगी। तो आइए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसके लिए करीब 2 कप के करीब, लगा लीजिए 250 ग्राम के करीब मैंने पोहा लिया है। ये पोहे को मैंने किचन टावल पे डाल के इसको अच्छी तरह से पोंछ लिया था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इसको भिगोना नहीं है ना ही धोना है, इसको हमें ऐसे ड्राई रोस्ट ही करना है इसको। और ये देखिए, मैंने ये 1.5 कप के करीब फोक्स नट लिए हैं, जो कि इसमें इतना कैल्शियम होता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसमें टेस्टी भी बहुत लगते हैं। और ये मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, ये सूखा हुआ कड़ी पत्ता है, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। तो ये चीजें मैं अब आपको, मैं ये पोहे को पहले ड्राई रोस्ट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने गैस पे एक पैन रखा है और उसमें हम अपना ये पोहा, जिसको चिड़वा भी बोलते हैं, जो फ्लैटन राइस होता है, वो हम इसमें डाल के इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हम इसको लगातार चलाते हुए इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की लो आप मीडियम कर दीजिए, इसको हमने 2 से 3 मिनट तक भूनना है। जब ये भून जाएगा तो ये क्या है कि ये अब फ्लैट है, सीधे हैं, देखिए, तो ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, और आप हाथ पे लगा, हाथ में देखो तो ये अपने आप ही हाथ में ऐसे क्रश होने लग जाते हैं, इनकी रोस्ट होने की यही पहचान होती है। तो देखिए, ये हमारा पोहा चिवड़ा जिसको बोलते हैं, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। ये देखिए, आप इसको तोड़ के देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अच्छा क्रंची हो गया है। बस इतना ही हमें भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। और अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे और हम अपना बाकी का सामान को रोस्ट करेंगे। ये देखिए, देखिए, हम इसके लिए, हम अब बाकी के जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं और जो भी सामान है उसको हम रोस्ट करेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा घी लूँगी, घी डालिए, रिफाइंड डालिए, ऑयल डालिए, आपकी जो भी इच्छा है। घी हमारा गर्म हो चुका है, क्योंकि हमारा पैन गर्म था, तो अब हम इसमें
अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। पहले मैं बादाम डालूंगी और इसको धीमी आंच पे अच्छी तरह से रोस्ट करूंगी। ये देखिए, आप अपनी पसंद का और भी कोई ड्राई फ्रूट है जैसे मगज हैं, सूरजमुखी के बीज आते हैं, सनफ्लावर, वो भी काफी हेल्दी होते हैं, वो डाल सकते हैं। अब हम इसमें जो मैंने नारियल काट के रखा हुआ है जिसको गोला भी बोलते हैं वो रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें अपनी मूंगफली डाल देंगे। और इस टाइम पे हमारी ये गरम है तो इस पे किशमिश को भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। और अब हम फॉक्स नट के लिए थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे ताकि वो हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाए। ये देखिए, गैस को हम मीडियम लो कर देंगे। इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि हमारे जो नमकीन है उसमें कच्ची हल्दी का टेस्ट ना आए। ये देखिए, बस अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और क्योंकि हमारी पैन गरम है इसी में हमारे ये रोस्ट अच्छी तरह से हो जाएंगे। आप इसको चलाना मत छोड़िए, नहीं तो क्या है कि एक साइड से जल जाएंगे। और अब हम इसको गर्म गर्म ही पोहे में डाल देंगे और जो हमने ये ड्राई फ्रूट वगैरह तल के रखा है उसको डाल देंगे और फिर हम इसमें मसाले मिलाएंगे। ये देखिए, अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए, हाथ से टूट रहे हैं और ठंडा होने के बाद ये थोड़े से और भी क्रिस्पी होते हैं। तो हमें बस इतना ही चाहिए और मैं इसको पोहे वाले उसमें मिला देती हूँ। और अब हम इसमें ये सारे हमारे जो फॉक्स नट हैं अब हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। सबसे पहले हम किशमिश डालेंगे, ये देखिए, ये बादाम डालेंगे, और अब हम इसमें ये जो मैंने नारियल गोला भी बोलते हैं जिसको, वो जो फ्राई करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। और ये हमने काजू जो कि तल के रखे हुए हैं ये डाल देंगे और आप इनको अच्छी तरह से मिलाइए। और ये मैंने मूंगफली को जो तल के रखा है वो डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और कितनी अच्छी लग रही है ये पोहा की नमकीन, ये देखिए। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच के करीब हम इसमें काला नमक डालेंगे और आधा चम्मच के करीब ही मैं इसमें वाइट नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। और ये मैं एक चम्मच भर के इसमें कश्मीरी लाल मिर्च हैं जो तीखी नहीं होती वो डालूंगी। और एक चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे। और इसको बैलेंस बनाने के लिए इसमें हम दो बड़े चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे जो कि मैंने चीनी को पीस के रखा हुआ है और इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस टाइम पे हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे क्योंकि कड़ी पत्ते का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप क्रश करके डालें या थोड़ा सा ऐसे डाल दें
या इसको रोस्ट करके डालें, आप जैसे भी डालें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और इसमें थोड़ा सा सौंफ पाउडर डालें। सौंफ को मैंने ददरा सा पीस लिया है, ये देखिए, और मैंने इसमें डाला। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इसमें, ये देखिए। तो देखिए, ये हमारी खट्टी मीठी मिक्सचर नमकीन बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बनाइए और बच्चों को खिलाइए और खुद भी खाइए, और साथ में चाय का आनंद लीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो जैसे बारिश आ रही होती है तो हल्के फुल्के से भूख लगती है हमें, तो आप ये जरूर बनाइए। और चाय के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है। या थोड़ा सा मतलब जैसे कभी कभार थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ हल्का फुल्का खाना है, तो आप उसके लिए जरूर बनाइए। ये देखिए, ये हम मार्केट से भी लाते हैं, ये हल्दीराम का है, ये खट्टा मीठा, और ये काफी कॉस्टली पड़ता है, और ये घर हमें बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइस में पड़ता है। और घर के मसाले तो आप जानते ही हैं कितने शुद्ध होते हैं। और ये देखिए, हम मार्केट से लाते हैं तो करीब 50 रुपीज के करीब हमें ये पड़ता है, और इसमें ज्यादा ड्राई फ्रूट भी नहीं होता, और हमें ये घर पे ही इतने ही रेट में काफी सारी हमारी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। तो घर की प्योरिटी के आगे तो किसी चीज का मोल ही नहीं है। तो आप वैसे भी रीजनेबल प्राइस पड़ता है, तो आप इसे जरूर बनाइए और चाय के साथ आनंद लीजिए। तो ये देखिए, हमने कितनी आसानी से इसको बना लिया, और मुश्किल से इसको 10 मिनट लगे हैं बनाते हुए। और आप भी बनाइए जरूर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए और आनंद लीजिए, और आशा मेहता की रसोई के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।